Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Gas Station Simulator. Alright guys, तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि last episode में मैंने अपनी gas station को बहुत ज़्यादा upgrade कर दिया था. Means हम लोगों ने अपनी gas station का जो store था जहाँ से लोग बाग सामान खरीदते हैं उसको भी थोड़ा सा बड़ा करा था. Plus यहाँ पर जितनी भी shelves है उसको अच्छे से लगाया था. यहाँ पर हर एक चीज़ अब हम बेचना start कर रहे हैं. Ice cream वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है. और बैक साइड में मैंने यहाँ पर एक टॉयलेट जो था उसको भी अपग्रेड करा था, अच्छे से यहाँ पे पेंट करा था. मतलब अभी कुल मिला के अपना मतलब गैस स्टेशन तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बट अभी यहाँ का जो काम है ना वो अकेले कंट्रोल नहीं किया जा रहा. मतलब मेरे को एक ही टाइम पे कैश भी रजिस्टर करना होता है. मीन्स यहाँ पर जो भी कोई बंदा आता है तो उसे सामान बेचना पड़ता है, और साथ ही गैराज में कोई गाड़ी आ जाती है तो वो भी रिपेयर करनी होती है. फ्यूल तो भरना ही होता है, पर साथ के साथ बहुत सारा काम है जो कि अकेले में नहीं कर सकता. इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग अपनी गैस स्टेशन पे आज एक नए बंदे को जॉब दे दे. इससे क्या होगा, मुझे भले ही उसको थोड़ी बहुत सैलरी देनी पड़ेगी बट मेरा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और कस्टमर को भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. अरे इसकी भैंस की टांगी, इसने गाड़ी कैक्टस में का गुजर दी. रुक जा, मैं तेरी हेल्प करता हूँ. निकाल इसको तेरी. इसमें गाड़ी निकालने का एक काफ़ी ज़्यादा सही तरीका है अगर कोई भी गाड़ी अटके तो. हाँ वैसे अभी गैस स्टेशन बंद है का पागल है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, अभी मेरे को उसकी गाड़ी क्या करना चाह रहा है ये? फिर उसने क्या अंधा है क्या, पी ली गया इसने ज़्यादा ही. भाई मैं अब अपने गैस स्टेशन पे अल्कोहल नहीं बेचेंगे भाई. अलग ही चला रहा है गाड़ी यहाँ से घुमा के यहाँ घुसेड़ दी. हाँ तो मैं कहने चाह रहा था कि पहले अपने पास 3 गाड़ी की पार्किंग का स्पेस था और मैंने फिर 3 गाड़ी की पार्किंग का स्पेस और परचेज करा था. और सबसे बड़ी चीज़, हमने यहाँ पर एक बस स्टॉप बनाया था और जिससे क्या हुआ था कि एक बस ऐसे कहीं टूर पे जा रही होगी फिर वो बस आके रुकी और एक ही बार में काफ़ी सारे कस्टमर्स अपने गैस स्टेशन में आ गए. बाकी हाँ अभी मेरे को गैस स्टेशन ओपन करना होगा क्योंकि मैंने बंद कर रखा है. फिलहाल अभी एक काम और करना है, अपने गैस स्टेशन का ना फ्यूल ख़त्म होने वाला है तो मैं फटाफट से चल के थोड़ा सा फ्यूल मंगवा लेता हूँ. 100 लीटर ही मंगवा सकते हैं क्योंकि अपने पास इससे ज़्यादा स्पेस भी नहीं है और फ्यूल मंगवाने का. बाकी हाँ अभी एक नए एम्प्लॉय को रखना है तो मुझे उसके लिए क्या क्या करना है. ओ वेट, मैं खुद से जाके हायर कर सकता हूँ, नाइस. बट हाँ इसमें लिखा है कि एम्प्लॉय को रखने से पहले मुझे उसके रहने वहने के लिए एक वैन खरीदनी होगी तो, और वैन का प्राइस है $249. ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं, सस्ती है. मैंने इसे परचेज कर लिया है और अब से जो अपना एम्प्लॉय है वो इस वैन में आके रहेगा, नाइस. अब उसके रहने के लिए एक ट्रेलर आ गया, अब बस मुझे उसे हायर करना होगा. यहाँ पे 2 लोग हैं, अ यूरोपियन फॉरनर ओके, और एक ये लड़की है एमिली, इसको हायर करते हैं. अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर इसके फ्यूलिंग स्किल्स है 1 और इसकी है 2, इसकी क्लीनिंग है 1 और एक सेकेंड, इसका लेवल हर चीज़ में 2 है और इसका 1 है. निकलती रही ऐसी तैसी, ये ज़्यादा बढ़िया है. ओके तो अभी हमने उस लड़की को हायर कर लिया है. मुझे चल के देखना होगा कि आखिरकार वो कहाँ पर है और वो हमारे इस गैस स्टेशन में काम करने भी कैसे करे. काम तो उसे करना ही पड़ेगा तभी उसे सैलरी मिलेगी, बट वो कैसे काम करेगी वो मुझे चल के उसे बताना पड़ेगा. ओके तो एमिली यहाँ पे बैठी हुई. अबे ये तो मॉर्निंग में सीधा ड्रिंक. अरे हेलो क्या हो गया, एक सेकेंड, एफ टू टॉक, मुझे इससे बात करनी होगी. टास्क लिस्ट ठीक है. इसमें मेरे पास 4 ऑप्शन है. मैं इसे गाड़ी में फ्यूल भरवाने का इसे काम दे सकता हूँ, या गैस स्टेशन को साफ करने का काम दे सकता हूँ, और हैंडल द रजिस्टर मतलब जहाँ पे पैसे वैसे काटने होते हैं, और रिपेयर कार्ड्स. तो एक काम कर, गैस स्टेशन साफ कर सबसे पहले. काफ़ी ज़्यादा वो गंदा हो रखा है. बाकी हाँ अभी जो अपना फ्यूल खाली था उसको भरने के लिए गाड़ी आ चुकी है. रुक जाओ, बाकी अभी चल के मैं गैस स्टेशन ओपन करता हूँ, कस्टमर्स आना स्टार्ट होंगे तभी हम लोग आगे का काम कर पाएंगे. और वैसे भी आज मुझे काफ़ी सारा एरिया पेंट करना है. जो हमने गैराज खरीदा था ये भी अभी काफ़ी ज़्यादा घटिया लग रहा है तो मैं इस पर एक वाइट या फिर कुछ अच्छा सा एक पेंट करेंगे. बाकी यहाँ पर भी थोड़ी बहुत सफाई मुझे कर. ओए नहीं, मैं नहीं करूँगा सफाई, सफाई का काम मैंने उसको दिया है. ओ भाई वेट, इसने यहाँ पर सफाई करना है स्टार्ट कर दिया है और शायद से अभी वो जो पॉली बैग्स है उसमें सारा का सारा कूड़ा भर के फेंक के आने. ओ नाइस, इसने साफ कर दिया. उसके ऊपर लिख कर आ रहा है सैलरी $1, इतने से काम के $1. बट ठीक है यार, मैं गैस स्टेशन ओपन करता हूँ, पता नहीं यार कहीं अपना ज़्यादा नुकसान ना करवा दे यार. ये अभी तो मतलब दिन शुरू हुआ ही है और उसने हल्का सा कूड़ा उठाया उसी के $1 ले लिए. इससे अगर ज़्यादा काम करवा लिया तो भाई ये तो मेरे को ही लूट जाएगी. बाकी ठीक है, अभी मेरे को ना थोड़ा बहुत और सामान मंगवा लेना चाहिए. वैसे अपना लेवल अप हुआ है तो मुझे देखना होगा कि क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास अनलॉक हुई है. फॉर एग्जांपल पहले हम लोग ना गाइस सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स और अल्कोहल सिगरेट आइसक्रीम ये सब बेच पाते थे, बट अभी हम लोग अपने गैस स्टेशन में कार केयर का सामान रख सकते हैं और न्यूज़पेपर रख सकते हैं. ठीक है तो अब उसे खरीद तो मैं लूँगा, बस उसके लिए शेल्फ खरीदने हैं. पहले एक ही वाला शेल्फ लेता हूँ और न्यूज़पेपर के लिए एक छोटा वाला शेल्फ ले लेते हैं.
और अब मुझे न्यूज़पेपर भी तो मंगवाने होंगे, तो फटाफट से चल के प्रोडक्ट्स एंड कार केयर के लिए एक ये मंगा लेते हैं, 3-4 दो ये मंगा लेते हैं और थोड़े बहुत न्यूज़पेपर अलग अलग टाइप के मंगवा लेता हूँ। हाँ बस बहुत है, काफ़ी सारा सामान मैंने ले लिया, गरीब ही हो जाऊँगा। ओ तेरी, इतना स्पेस ही नहीं अपने पास, कुछ कुछ आइटम मुझे कम करना होगा। ओके तो भी मैंने थोड़ा बहुत सामान यहाँ से मंगवा लिया है और मेरे को ना अभी ज़्यादा, ओ भाई उसने पूरा का पूरा गैस स्टेशन साफ कर दिया है और वो कहाँ चली गई मुझे कुछ पता नहीं। ये रही। ओ भाई वो यहाँ पर भी बैक साइड भी साफ कर रहे हैं भाई, ये काफ़ी ज़्यादा सही है। फिलहाल अभी कस्टमर्स आना स्टार्ट हो गए हैं और मुझे ये चेक करना है कि अब मैंने इसे क्लीनिंग का काम दिया है तो क्या ये सिर्फ सफाई करते रहेगी या फिर मैं इससे और भी काम करवा सकता हूँ, ये मुझे देखना होगा। गाइस अभी ना एक कस्टमर यहाँ पर आया हुआ है, मैं फटाफट से ना उसके पास चलता हूँ। वो कहाँ पे सफाई, अबे वहाँ वेयर हाउस में भी सफाई करनी चलेगी, एक मिनट रुक जाओ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये पहले मेरे को फ्यूल भर के, अबे गेट को एक, किसने अंदर जाके गेट बंद कर लिया। ओके तो वो यहाँ पर अच्छे से बैठ के सफाई वफाई कर रहे हैं, जितना भी गंदा है वो सारा का सारा हटा रहे हैं। वेट तू अभी ये सब मैं साफ करिए, मैं बाद में कर लूंगा, अभी तू एक काम कर, जो बंदे इस टाइम पर गाड़ी में फ्यूल भरवाने आया है फटाफट से जाके उनकी गाड़ी में फ्यूल भर। अब चल के देखते हैं कि क्या ये गाड़ी में फ्यूल भर रही है या फिर नहीं। अबे सप्लाई कौन सी आ गई, अच्छा वो जो मैंने न्यूज़पेपर अभी मंगवाए हैं, रुक जाओ ये उठा के मैं फटाफट से इसके अंदर लगा देता हूँ और अभी तू निकल यहाँ से फटाफट से, लेट्स गो। अभी जल्दी से उसके पास चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या वो यहाँ पर कैश रजिस्टर पे सही से काम कर रही है या फिर नहीं। एक सेकेंड, अच्छा मैंने उसे फ्यूल भरने के लिए बोला था ठीक है, पर उसने तो फ्यूल भी आके नहीं भरा। ओ कितनी ज़्यादा स्लो है भाई, मैं उतनी देर में सामान वामान भी उतरवा के लिया, बट ठीक है जल्दी से फ्यूल भर इसकी गाड़ी में। नाइस, यही चीज़ सही है, बस अब बहुत हो गया, भर जाएगा फ्यूल। अब एक काम कर तू हैंडल द रजिस्टर, वो बिजी है। वेट सारा काम मैं इसी से करवाने वाला हूँ, लेट्स गो। $45 मिल चुके हैं, अब मैंने इसे बोल दिया कि कैश रजिस्टर काउंटर पे जाके काम कर। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये, ओ नाइस, अब ये सारा का सारा काम फटाफट से होते रहेगा, मुझे अब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मुझे इसे बताना है तेरे को क्या काम करना है। बाकी हाँ इसमें ऐसा लिखा है कि एक टाइम आएगा कि जब उसे रेस्ट भी चाहिए होगा। फिलहाल एक बंदा गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए आया, चल अभी वो बिजी है, एक काम करता हूँ इसकी गाड़ी मैं रिपेयर कर देता हूँ। वैसे मुझे ना उससे टेस्ट करवाना चाहिए कि क्या उसे भी गाड़ी रिपेयर करनी आती है या फिर नहीं, बट हाँ ठीक है अगर इसके बाद कोई गाड़ी। अबे इसको तो डोर चेंज करवाने हैं पूरे, शायद इसको अपनी गाड़ी का स्क्रैच रिमूव करवाना है। हाँ इसका तो बहुत ज़्यादा सिंपल काम है, लादे मैं ही कर दूँ, लेट्स गो। इसको यहाँ पे लगाया, मैं सोच रहा था पूरा गाड़ी का डोर चेंज करवाएगा, फटाफट से इसे करते हैं, लेट्स गो। गाड़ी में जितने भी डेंट आए थे स्क्रैचेस वो मैंने सारे हटा दिए और सेम टू सेम लेफ्ट साइड में भी आए हैं, तो पहले से एक और ट्यूब लेकर आते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। ओ भाई साहब बहुत ही गंदी तरह पलटा के लहर लग रहा है ये गाड़ी अपनी। ठीक है गाइस तो अपना काम हो चुका है और इससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल गया है। बाकी अभी काम करते करते रात हो गई और पता भी नहीं चला। और वेट यार ये बंदा गाड़ी लेके खड़ा हुआ था, अच्छा अभी आया, आई मीन अभी आई है लड़की है वो, ठीक है फटाफट से ये भी हो गया। अभी चल के देखते हैं, ओ भाई साहब इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही काम आ रखा है। अब खैर छोड़ सामान वामान हो गया, गैस स्टेशन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है तो फटाफट से गैस स्टेशन को साफ कर दे, लेट्स गो। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी विट्टी हो रही थी। हाँ तो ये हो गया वो हो गया, मैं काम करता हूँ कि मैंने न्यूज़पेपर के लिए शेल्फ खरीदा था ना, तो फटाफट से उस शेल्फ को निकाल के, ओ भाई मेरे पास बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए तो मैं उसको यहाँ पे आराम से ऐसे रख देता हूँ। और अभी जो मैंने इसमें न्यूज़पेपर्स खरीदे थे वो मुझे इसके अंदर डालने होंगे, ये वाले। ओ भाई इसके अंदर कितने सारे न्यूज़पेपर आ गए, अब कल मॉर्निंग होते ही ये सब बिकेगा, मजा आएगा। अब एक काम करता हूँ अपने पास जो बाकी शेल्स है ना उसे भी मैं यहीं कहीं पर रख देता हूँ। गाइस अभी ना एक प्रॉब्लम हो रही है अपने गैस स्टेशन में ना, सामान की थोड़ी बहुत कमी पड़ रही है। ये देखो इसको ड्रिंक नहीं मिल रही, उसको शायद से कुछ खाने पीने का चाहिए होगा, मिला नहीं, न्यूज़पेपर ही खरीद ले यार। ओके इसने कम से कम न्यूज़पेपर तो खरीदा। अभी फिलहाल मैं ही इनको सामान देता हूँ, वो गैस स्टेशन साफ कर रही है, मुझे भी सामान मंगाना पड़ेगा बहुत सारा। लोग खाली हाथ जा रहे हैं या फिर कुछ सस्ता आइटम खरीद के निकल रहे हैं। ओके दो लोग आ गए, ठीक है तेरे को भी मैं ही सामान देने वाला हूँ। देखते हैं इसने न्यूज़पेपर जो खरीदा है वो, ओ खरीदा है सही में खरीदा है भाई, लेट्स गो। बाकी इसने काफ़ी सारी बॉटल्स खरीदी अल्कोहल की, वो भी अपने से बेच दिया है। और फ्यूल पे ओके मैं तेरी गाड़ी में फ्यूल डाल देता हूँ, लेट्स गो। यार अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या तो ये स्लो काम कर रही है या फिर मैं कुछ कर ही नहीं रहा। वैसे मैं सोच रहा था कि न्यूज़पेपर जो है मॉर्निंग के टाइम पे बिकेगा, बट ऐसा नहीं है, बंदे रात में भी पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है अबे कहीं दीवार विवार साफ करने के तो नहीं ले जा रही घर पे। बाकी हाँ मैं सोच रहा था कि मेरे को बहुत सारा सामान मंगा लेना चाहिए, बट उससे पहले देख लेते अपने वेयर हाउस में क्या क्या पड़ा हुआ। इंटीरियर क्लीनर और कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं। हाँ तो एक काम करता हूँ, इंटीरियर क्लीनर तो जो है अपना इस वाले शेल्फ में मेरे को लगाना है जो मैंने कार केयर वाला लगाया था, तो फटाफट से इसके अंदर रख देते हैं इसको।
और साथ ही जो न्यूज़पेपर है वो शायद से मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। ओह तो सीन कुछ ऐसा है कि मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स खरीद लिए थे और अच्छी बात तो ये है कि वो सारे के सारे न्यूज़पेपर्स जल्दी जल्दी बिक भी रहे हैं, तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी उसको गैस स्टेशन साफ करने के लिए बोला, इधर तो अभी भी मिट्टी है। एक काम कर, तू तेरे बस की नहीं है, तू रुक कैसे रही है, हैंडल द रजिस्टर। ओके तो मैंने इसे एक मेन काउंटर पे भेज दिया ताकि इतने सारे जो कस्टमर्स आए हैं फटाफट से इनके पैसे काट के इन्हें यहाँ से भगाए। गाइस अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपना वेयर हाउस अपग्रेड कर दूँ, क्योंकि सीन क्या होता है, हम लोग ना थोड़ा थोड़ा सामान मंगवाते हैं, फिर वो जल्दी से खत्म हो जाता है, फिर दोबारा सामान मंगवाना पड़ता है, फिर ट्रक आता है, फिर गेट खोलो, तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो क्यों ना मैं अपना वेयर हाउस अपग्रेड कर दूं, उसमें ज़्यादा जगह हो जाएगी और एक ही बार में ज़्यादा सामान मंगवा के रख लेंगे। और वेयर हाउस अपग्रेड करने के लिए मुझे यहाँ पर $200, अबे मेरे पास इस टाइम 600 पड़े हैं। ओके वेयर हाउस अपग्रेड हो गया है, अब मुझे चल के देखना होगा इसमें कितने एक्स्ट्रा शेल्व्स आए हैं जो कि जिसमें मैं सामान रखवा सकता हूँ, लेट्स गो। बाकी यहाँ पर एक न्यू ईमेल आई हुई है, वो मुझे चल के रीड करनी होगी, बट उससे पहले हम लोग चलते हैं अपने वेयर हाउस के अंदर। और ओ नाइस, अपग्रेड करने से वैसे कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, बस एक ये वाला शेल्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है। और एक सेकेंड, मैंने ये वाला गेट खुला छोड़ दिया था भाई, अभी तो सामान चोरी हो जाता, शायद हो भी गया होगा। खैर अभी जल्दी से चल के ना एक जो न्यू ईमेल आई है वो रीड करते हैं और नया सामान मंगवाते हैं। ईमेल में कुछ भी खास नहीं है, द आर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेके ही है, बट ठीक है। और अब मेरे को क्या करने आया था, हाँ मैं यहाँ पर सामान मंगवाने आया था, प्रोडक्ट्स। मुझे यहाँ पर इस टाइम पर चाहिए होंगी थोड़ी बहुत सॉफ्ट ड्रिंक्स, और मुझे चाहिए होंगे थोड़े बहुत स्नैक्स, और साथ ही मुझे थोड़ी बहुत आइसक्रीम भी चलेगी। न्यूज़पेपर का शेल्फ तो इस टाइम पे भरा हुआ है, और कार केयर का सामान मेरे हिसाब से कोई शायद खरीद भी नहीं रहा, बट एक ये ले लेता हूँ। स्पॉन्ज, सिगरेट्स भी अपने पास पड़ी है, बट थोड़ी और क्वालिटी की होगी तो बढ़िया रहेगा। काफी सारा सामान हो गया, इसे ऑर्डर करते हैं। जगह नहीं है, ओके ओके ओके, तो मुझे थोड़ा बहुत और सामान कम करना होगा, थोड़ी सी आइसक्रीम कम कर देता हूँ, अब हो जाएगा। लेट्स गो, इस बारी मैंने बहुत सारा सामान मंगवाया। अबे एक सेकेंड, अपने वो कहाँ चली गई काम कर रही थी? ओ वेट, शायद से वो सोने चली गई, मेरे को देख के आना होगा भाई, क्योंकि वो यहाँ पर अच्छे से मुझे लग ही रहा था भाई ये अभी पूरे दिन काम करके थक गई है और अभी यहाँ पे सोने आ गई। सोच आना ये क्या बदतमीजी चल रही है भाई, काफ़ी ज़्यादा बेकार एम्प्लॉय, इसको भगा रहा हूँ मैं भाई, ये बेकार है। इतनी जल्दी एक तो सोने आ गई, सो भी रही होती तो ठीक था। इसकी भैंस की टांग एक सेकंड से भगा सकता हूँ मैं। फायर एम्प्लॉय, लेट्स गो। ओ यू कैन हायर देम बैक, अच्छा अगर मैंने इसे एक बार किक कर दिया तो मैं इसे दोबारा नहीं बुला सकता मुझे से। चलो एक दिन का मौका इसे ओढ़ देते हैं, और अगर अगली बार इसने ऐसे कोई ढंग से, वैसे आज तो उसने यार काम करा ही है, सफाई भी करी है, वेयर हाउस भी आधा से ज्यादा चमका दिया। नहीं मेरे को खाली पीली नहीं करना चाहिए। खैर एम्प्लॉय तो अच्छी है पर हरकत है उसकी बेकार है। फिलहाल अभी जल्दी से चल के इसकी गाड़ी में फ्यूल भरते हैं और यहाँ पर जितने बंदे आए हुए हैं काउंटर पे उनको सामान देते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को भी मैंने सामान दे दिया। अरे भाई इतनी ज़्यादा भीड़ मत करो यार, ऐसे काम करने में मज़ा नहीं आ रहा। फिलहाल हाँ जो सामान मैंने मंगवाया था वो ट्रक वाला यहाँ पर लेकर पहुँच चुका है, जल्दी से चल के गेट ओपन करते हैं। ओके ट्रक वाले भाई साहब जी जल्दी से अपनी गाड़ी अंदर ले आओ, सारे के सारे शेल्व्स खाली पड़े हैं, आप कहीं वेट कर रहे हैं। जल्दी से सामान निकालता हूँ और इसके अंदर भर देता हूँ। यहाँ पर एक और है और इसके बाद और भी बॉक्सेस हैं। नाइस, ये वाला बॉक्स भी उठाते हैं। फाइनली सारा काम हो चुका है, इसको भी इसके अंदर मैंने भर दिया है। भाई सारे शेल्व्स भर गए हैं, अब ये जो जितना भी सामान है ना ये सारा का सारा ले जाकर हम लोग डालते हैं। अबे जल्दी निकाल यार ट्रक को। हाँ तो मैं ये कह रहा था सारा का सारा सामान ले जाकर इन शेल्व्स में रखते हैं। वैसे यार अभी ना एक गाड़ी गैराज में रिपेयर होने के लिए आई हुई है, कौन सी कार है एक सेकंड दिखाइए। अरे खचाड़ा है, बाद में रिपेयर करूंगा इतना वेट कर सकता है वो। वैसे अपनी एम्प्लॉय सो रही है भाई, भैंस एक दो तीन चार हर, ये यार देखो एम्प्लॉय रख के भी मुझे इतना सारा काम करना पड़ रहा है, फ्यूल भी डालना है, अभी गैराज में भी एक गाड़ी खड़ी है। और वैसे जब तक वो जगी हुई थी तब तक आसान था, बट अभी काम मुश्किल हो गया और पूरा गंदा भी पड़ा है इस टाइम पे। ठीक है लाओ यार, अब दिखाता हूँ मैं इनको स्पीड अपने काम करने की। ओ आप लोगों ने नोटिस करा इसने क्या खरीदा? मैं सोच रहा था कि कोई भी बंदा कार केयर का सामान, मतलब जैसे गाड़ी वाला सामान भी हमने रखा है अपने गैराज में सफाई फाई करने का गाड़ी के अंदर, मुझे लग रहा था वो कोई खरीद नहीं रहा है, पर लॉक खरीद नहीं आए। देखो न्यूज़पेपर दो दो बिक रहे हैं भाई, नाइस। अब पढ़ने के लिए ले जा रही हो या फिर ये इससे गाड़ी साफ करने के लिए जा रही हो वो मुझे नहीं पता, पर हाँ बिक रही है भाई सारी चीजें। ऑल राइट, इसने भी सामान खरीदा है। अब बारी है इन भाई साहब की, चेक करते हैं ये कितने का सामान हमसे खरीद के जाने। इसने भी कार केयर का एक दो, नाइस भाई सही है, सही काम है। बाकी गंदगी है थोड़ी सी, साफ करते हैं इसे। और अभी ना मुझे फटाफट से चल के गैराज वाले कस्टमर को फ्री करना चाहिए उसकी गाड़ी रिपेयर करके, बट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उससे पहले थोड़ा बहुत फ्यूल मंगवा लिया जाए, क्योंकि अपने पास फ्यूल खत्म हो रहा है। नॉट इनफ मनी, भैंस की पैसा ही नहीं बचा। अरे यार ऐसे मत करो। वे देखो जो न्यूज़पेपर मैंने नहीं रखा था ना इसको वही वाला पढ़ना है, पूरा वहां पे जाके एक्टिंग करके दिखा रही है कि तुम्हारे पास वाला न्यूज़पेपर तो है ही नहीं। फिलहाल हाँ अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने पास ना देखो फ्यूल खत्म हो रहा है और अभी एक प्रॉब्लम हो गई,
जो बंदा गैराज में हमारा वेट कर रहा था ना, वो देखो वो गाड़ी लेकर जा रहा है, वो परेशान हो गया कि हमने उसकी गाड़ी रिपेयर नहीं करी। सेट यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी एम्प्लॉय, उसका टाइम कंप्लीट हो गया रेस्ट करने का, मुझे उसे जाके उठाना होगा। नाइस, अब अपना काम आसान हो जाएगा। एक सामान भाई, ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है यार, इसको ऑर्डर करो। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। एक मिनट, डिलीवरी प्रोडक्ट्स, कार केयर का ये वाला आइटम, ये महंगा है, लेकिन इंटीरियर क्लीनर उस टाइम सस्ता था। मैं एक बार ये वाला भी मंगा के देखता हूँ, व्हील क्लीनर और वॉश वैक्स, ये दोनों मंगा लेते हैं, देखते हैं ये बिकते हैं या फिर नहीं। पर अपने पास इतना पैसा ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, है पड़ा है, ठीक है। अभी मेरे पास $60 ही बचे हैं सिर्फ और सिर्फ। अभी ना फिलहाल जल्दी से चल के मैं उसको उठाता हूँ, वो तब से सो रही है, सो भी नहीं रही भाई। हंसने की आवाज़ किसकी आ रही है? इसकी। हंसने की भैंस की टांग रात से लेकर अभी तक खत्म ही नहीं। मेरे आधे इसने नीचे फेंक दी। इसकी ऐसे की तैसे। तू एक काम कर, गैस स्टेशन ही साफ कर दे, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पे द एम्प्लॉय फॉर द प्रीवियस असाइनमेंट। ओह, मैं इसकी जब लास्ट पेमेंट करूँगा तो ही ये मेरे लिए आगे काम करने वाले। भाई ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। ठीक है, मुझे इसके पहले के पैसे देने होंगे। मैं देता हूँ, अभी सारे पैसे देता हूँ। बाकी हाँ, अभी यहाँ पर एक ट्रक आ चुका है और अपने गैस स्टेशन का जो कूड़े वाले डब्बे थे वो भी फुल हो गए हैं, तो मुझे एक बारी कूड़े वाली गाड़ी भी मंगवानी होगी। बट उससे पहले इसको उठवा के मैं अपने वेयर हाउस में रखवा देता हूँ। चलो सर, बाय बाय, जल्दी से जाओ भाई, अपने वेयर हाउस में बहुत सामान है, मैं इसे बंद करके ही निकलूंगा। ओके, तो अभी ये फिलहाल अपना ट्रक में बैठ चुका है। ले भाई तेरे ट्रक के, अरे गेट खुला रह गया, ये ले। हाँ, हो गया बंद, ठीक है। फटाफट से गेट बंद करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और अभी कूड़े वाली गाड़ी मंगवा लेते हैं एक। यार अगर अपनी थोड़ी बहुत वेट, यहाँ पर ना एक बस आ गई। सॉरी, मैं साफ कर रहा हूँ। ओ भाई भाई भाई, ये सारे के सारे बंदे ना परेशान हो रहे हैं। रुक जाओ गाइज, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो लास्ट टाइम बहुत सारे कस्टमर्स आए थे ना, वो दोबारा से आ गए हैं। मैं अभी पता क्या करने वाला हूँ। रुक जाओ, तुम सारे के सारे सामान लो। रुको भाई रुको, इसके अंदर सामान सारा भर देता हूँ मैं, क्योंकि ये सारा का सारा ही अभी बिकने वाला है। ये लो, इसके अंदर तो मैंने कुछ खरीदा नहीं, कार केयर के लिए बहुत कुछ खरीदा था, सब बिक जाए भाई, मजा आ जाएगा। आइसक्रीम भी मेरे पास बहुत सारी है, और मेरे पास टबैकोज भी हैं थोड़ी बहुत। और अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लोन उठाते हैं। रुक जाओ, $1,000 का लोन उठाया, इसमें से मैं उसे कुछ सैलरी ले जाके पे कर देता हूँ। उसके बाद वो सारा का सारा काम जो है ना, मतलब अभी अपनी गैस स्टेशन में समझ लो एक बस आई है, टूरिस्ट बस, जिसमें कम से कम 15-20 लोग हैं जो कि सामान खरीदने वाले हैं। अब तू फटाफट से जा, पहले ले तेरी पेमेंट मैंने कर दी, ठीक है। अब तू एक काम कर, जल्दी से जा के हैंडल द रजिस्टर, जल्दी भाग के जा, भाग के, लेट्स गो, अभी बहुत तेज काम होने वाला है। देख रहे हो गाइस, वहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर एट कैश रजिस्टर इनटू 6, मतलब 6 कस्टमर है इस टाइम पर यहाँ, और इन्होंने पक्का बहुत ज़्यादा सामान खरीदा होगा। ये सारे के सारे बावड़ी पूंछ एलियंस हैं। लेट्स गो, वो देखो और ही इनकी सामने बस, वहाँ से और भी बंदे शायद अभी आएंगे। फिलहाल इसकी गाड़ी में फ्यूल भरता हूँ। और हाँ, और ये वाली वीडियो मैं बिना लोन पे एंड नहीं करने वाला हूँ, जब तक पूरा 1000 का लोन मैं उसे चुका नहीं दूंगा ना, तब तक मैं अब कुछ ना कुछ करते ही रहूंगा, पैसा मतलब कमाते ही रहूंगा इस गेम में। बाकी अभी ना मुझे एक कूड़े वाली गाड़ी और एक फ्यूल वाली गाड़ी मंगवानी है, तो फटाफट से चलते हैं डिलीवरी में। 100 लीटर ऑर्डर करा, और साथ ही अभी मुझे एक कूड़े वाली गाड़ी, गार्बेज कलेक्शन को भी ऑर्डर करते हैं, ये तो खैर फ्री है। अब अपना काम हो जाएगा, मैं गैस स्टेशन थोड़ा साफ कर देता हूँ। गाइस एक बारी ध्यान से देखो अपने गैस स्टेशन पे कितनी ज्यादा भीड़ लग चुकी है, 8-9 कस्टमर एक ही टाइम पे। नाइस, मेरे पास कुछ चिप्स के पैकेट हैं और वो मैं यहाँ रखना ही भूल गया। वाह यार, अगर रखे होते ना तो ये भी सारे के सारे बिक जाते। कुछ एक्स्ट्रा ड्रिंक्स है जो मैं इसमें लिखवा सकता हूँ, कुछ न्यूज पेपर्स है और कार क्लीनिंग का सामान है जो कि यहाँ पर आ जाएगा, न्यूज पेपर आ जाएंगे यहाँ पे। लेट्स गो, अभी अपने स्टोर में बहुत ज्यादा सामान है लेकिन अल्कोहल सारी खत्म हो चुके हैं। जो मैं ऑर्डर भी कर देता हूँ लगे हाथी, अल्कोहल 1, 2, 3 बस इतनी बहुत है मेरे हिसाब से ऑर्डर। ओके, फ्यूल वाला बंदा भी आ चुका है, फटाफट से इसे ऑन करते हैं ताकि ये जल्दी से फ्यूल भर के यहाँ से निकले। ऑलराइट, तो भी फिलहाल कूड़े वाले ने आके सारा का सारा कूड़ा यहाँ से इकट्ठा कर लिया, और हमेशा की तरह इसने सारा कूड़ा तो उठाया पर साइड का कूड़ा पता नहीं आ रही क्यों छोड़ के चले जाता है। बट ठीक है, वो मैं बाद में इसे करवा दूंगा। 2 मिनट रुक जाओ भाई, कितनी भीड़ हो रही है अपने गैस स्टेशन पे, पूरा मॉल हो रहा है भाई, वो भी एक बड़े लेवल का। इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है। बाकी ठीक है, एक गाड़ी गैराज में आई हुई है और अभी तक मैंने इससे चेक नहीं करा कि क्या इसे गाड़ी रिपेयर करनी आती है या फिर नहीं, तो मैं टास्क लिस्ट में जाके इसे रिपेयर कार करने के लिए बोलता हूँ। और अभी ये गाड़ी रिपेयर करने जा चुकी है, जब तक मैं इसे सामान दे देता हूँ फटाफट से। ये रखा यहाँ पे, और तेरी टोबैकोज ही खरीदेगा ये तो सारी। लेट्स गो, बाय बाय, अभी मुझे चलना होगा उसके पीछे पीछे और देखता हूँ उसे गाड़ी रिपेयर करनी आती है या नहीं। और वैसे क्या पता वो गाड़ी रिपेयर करने में एकदम ही, ओ तेरी, उसने गाड़ी को फटाफट से ऑन करके ऊपर लिफ्ट कर दिया और कुछ चेंज करना था जो कि उसने चेंज कर भी दिया है। वाव, एक सेकंड बस, तेरी गाड़ी होने वाली है 5 मिनट में रिपेयर। और यहाँ पर अभी 2 टायर बचे हैं, मिरर पड़े हुए हैं साइड। क्या करा इसने, इसने गाड़ी रिपेयर नहीं करी ना, पैस की तंग झाड़ू पड़े।
झाड़ू पड़ेगी इसके, ये ले मुंह साफ कर। हाँ इन्हें कुछ तो ऐसे करा, उसने ऐसे बैड वाला वो आया था, रुक जा इसको कोई और काम देता हूँ, कैश रजिस्टर पे भेज देते हैं इसे। आज के बाद इससे कोई गाड़ी रिपेयर नहीं करवानी भाई, इसे गाड़ी रिपेयर करनी नहीं आती। ओके तो इसका भी काम हो गया, और अभी मुझे फटाफट से चल के लोन पे करना चाहिए, वरना जिनसे मैंने लोन लिया है ना वो फटाफट से आके भैया हमारी कुटाई लगा देंगे। बाकी अपना ये जो टॉयलेट है ना, ये भी भाई लोग बाग अच्छे से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला भी मुझे कंप्लीट करवाना है, मतलब इसमें बस शायद से नेक्स्ट अपग्रेड में ये भी एकदम ठीक हो जाएगा। गैस स्टेशन काफ़ ओए मैं क्यों साफ़ करूँ, एक सेकंड तू करेगी साफ़, इसको भेजो भाई क्लीन द गैस स्टेशन। बाकी यहाँ पर एक गाड़ी में, ओ तेरी बढ़िया गाड़ी लाया, ये ले फ्यूल ले, तू ज़्यादा फ्यूल लेगा ये ले, टेंशन मत ले तू। बाकी हाँ अभी फटाफट से चल के मुझे लोन पे कर देना चाहिए, $1,000 ओ $100 एक्स्ट्रा लेगा, बट ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने सारा लोन पे कर दिया, मेरे पास $55 ही अब बचे हैं। वो तेरी काम करते करते यहाँ पर फिर से भीड़ लग गई, एक सेकेंड रुक जाओ उसको ही मैं भेजता हूँ, वही यहाँ पर सफाई करेगी। अबे कहाँ गायब हो गई, हेलो यहाँ पर भी नहीं है, ओ तो वो यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, रुक जा फटाफट से जाके कैश रजिस्टर, ओ नहीं रुक दोबारा से सफाई नहीं कर रही, हैंडल द रजिस्टर राइट ना, आई एम बिजी राइट ना, एक सेकेंड पैंस की सैलरी नहीं दूंगा अभी कल की। हाँ तो इसको गाड़ियाँ रिपेयर करनी नहीं आती, इसलिए फटाफट से चल के जो गाड़ी रिपेयर होने के लिए आई है इसकी गाड़ी मैं रिपेयर करता हूँ, और एक कार है भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यार देखने में, लेट्स गो फटाफट से इसे ऊपर लिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये जो गाड़ी है इसमें प्रॉब्लम है क्या। इसका एक और दो टायर खराब है और इसका ये वाला साइड मिरर खराब है, मिरर तो दो सेकंड में लग जाएगा, ये उठाया और इसमें लगा दिया, लेट्स गो पुराने वाले टूटे पीस निकाल के नया वाला मस्त पीस यहाँ पर रख देते हैं। बाकी गाड़ी के दो टायर खराब है ना, और अपने पास सिर्फ और सिर्फ दो टायर बचे भी हैं, तो चल भाई ठीक है, तीन खराब होते तो अभी मंगवाने पड़ते। तो ये मैंने इसका टायर बाहर निकाल दिया सारे के सारे स्क्रूज रिमूव करके, न्यू टायर इसके अंदर इंसर्ट करा एंड सारे के सारे स्क्रूज टाइट कर दिए वापस से, एंड न्यू टायर लग चुका है और एक अपने पास एक और टायर पड़ा, इसको लगाते हैं आगे, और अब देखता हूँ भाई इससे मेरे को कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके दो टायर हटाए हैं, इसकी गाड़ी के दो टायर चेंज करे हैं और एक साइड मिरर ठीक करा है, इसके देखते हैं हमें टोटल कितने पैसे मिलेंगे। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें $260, मुझे पता था गैराज एक ऐसी चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बट ये भी है कि इसका जितना भी सामान आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, मीन्स जो टायर हमने लगाया वो भी खरीदेंगे तो वो भी अराउंड $80 का तो होगा ही ना, एक बार चेक करता हूँ मैं। वैसे भी हाँ सामान मंगवाना है, लास्ट एक वही है और उसके बाद और कुछ अभी मैं नहीं, $60 का भाई सस्ता नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ये मंगा लेते हैं, स्क्रैच रिमूव ओए इतना तो पैसा नहीं है, स्क्रैच रिमूवर भी थोड़े बहुत चाहिए और थोड़े बहुत कार के मिरर्स चाहिए, बाकी हाँ ये सब थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं, $700 जा रहा है, हाँ इतना सामान मैं मंगवा सकता हूँ, लेट्स गो हो गया। अब तू फटाफट से दोबारा से साफ कर पूरा का पूरा ये अपना गैस स्टेशन, और अभी मैं जा रहा हूँ यार गैस स्टेशन को बंद करने के लिए, क्योंकि मैंने लोन पे कर दिया और मैंने बोला था कि कौन शोर मचा रहा है, हाँ मैंने बोला था कि भाई लोन पे करके मैं वाली वीडियो एंड करने वाला हूँ, लेट्स गो भाई अभी आज बहुत काम कर लिया, अब कोई मत आओ हमारे गैस स्टेशन में, बाय बाय। और ये नाराज़ हो गया, ये अपनी गाड़ी पार्क करने आया था, वैसे पार्क तो कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ फिर इसके पैसे कौन काटेगा। ओके गाइस तो आज की सारी वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, इस वीडियो पर एम करते हैं 5,50,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना कि क्या आपको अपना ये न्यू एम्प्लॉय सही लगा, मीन सही लगी, या फिर मुझे कोई एक नया एम्प्लॉय रखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ओके है लेकिन इसे गाड़ी रिपेयर करने नहीं आती और उसी चीज के सबसे ज्यादा पैसे हैं, ठीक है तो मुझे कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।